देखे तो अपोलो हॉस्पिटल्स में थोड़ा ध्यान रखें, आज ये करीब आधा परसेंट ऊपर खुल रहा है। टाइटन, पावर ग्रिड, मारुति, इन सबके पास करीब करीब आधे आधे परसेंट के आसपास की अच्छी ओपनिंग आपको आती हुई दिख सकती है। जो शेयर कमजोर खुलने वाले हैं उसमें HDFC लाइफ, सन फार्मा, ICICI और SBI लाइफ जैसे शेयर होंगे, इनमें 1/4% तक की गिरावट होगी। कुल मिला के सारी बात यह है कि कोई भी शेयर ऐसा नहीं है शुरुआत में जो 1% से बड़े गैप के साथ खुल रहा हो और 1% के बड़े गैप डाउन के साथ खुल रहा हो। फिर हमने नेक्स्ट 50 वाला एरिया भी जाके चेक किया इस बार कि वहां पे कुछ ऐसा शेयर मिल रहा है हमको क्या। ICICI प्रोडेंशियल होगा एक शेयर जहां पे आधे से पौने 1% तक की गिरावट है, और बढ़ने वाले शेयर्स में अदानी ग्रीन्स है जो करीब पौना 1% ऊपर खुलेगा। कुल मिला के सारी बात यह है कि आज मार्केट थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है। देखते हैं आज कैसे ट्रेड होता है। शुरुआत मिली है 8 पॉइंट के गैप के साथ और 8 पॉइंट डाउन खुला है निफ्टी, और 1000 शेयर बढ़त के साथ है। एडवांस डिक्लाइन जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, इन स्पाइट ऑफ दिस के आपको लेवल्स जो मिल रहे हैं स्क्रीन पर। फ्लैट निफ्टी लेकिन हजार के बदले में 400 शेयर अभी कमजोर हैं। आते निफ्टी बैंक पे 50 पॉइंट की मामूली गिरावट है, 44,000 से लेके 44,200 जिस रेंज पे भी बैंक निफ्टी चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। और अभी आपको सुबह किरण ने ये बात बताई भी थी कि इस रेंज में जब ये आ जाए तो एक बार 43,900 का स्टॉप लॉस लगा के आप ले भी सकते हो। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड लीजिएगा, ऑल टाइम हाई लगा हुआ और उसके बाद से कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है मार्केट में आ जाए। निफ्टी पे शुरुआत देख लेते हैं। आज बढ़ने वाले शेयर्स में SCLTech एकदम से ऊपर आया, 0.5% ऊपर है। UPL के अंदर 1/4% की बढ़त है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, दो सीमेंट की कंपनियां और सामने निकल के आई है। ONGC की कल तेज पिटाई हुई थी लेकिन आज अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा है। शुरुआती आंकड़ा इसके अंदर हरे निशान में देखने को मिल रहा है। आते कमजोर शेयर ITC के अंदर प्रॉफिट बुकिंग 440 पे, हिंडालको, डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज, सन फार्मा, ये कुछ एक वीक काउंटर है, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बड़े शेयर आज थोड़े कमजोर हैं। आप देख पा रहे होंगे एक और चीज नोटिस की होगी, सिर्फ एक ही दो ही मिनट के अंदर आपने हजार के हजार शेयर एडवांसेस एज इट इज खड़े हैं, लेकिन जो डिक्लाइंस 300 थे वो 600 हो गए, यानी कि खुलने के बाद बाजार में जो पहला टिक किसी का भी अगर हरे निशान का आया वो धीरे धीरे करके लाल निशान में तब्दील हो रहा है। अब रेशियो 10:6 की है जो 10:3 की हुआ करती थी, ये मात्र 1 से 1.5 मिनट में हुआ है। आते हैं बैंकिंग वाले काउंटर्स पे, 12 के 12 बैंकिंग काउंटर्स हमने चेक किए हैं, उसमें से 3-4 शेयर बढ़कर हैं जैसे PNB, IDFC फर्स्ट फेडरल, जो नॉन वेटेज वाले हैं। जो वेटेज वाले वो कमज़ोर हैं जैसे इंडसइंड, SBI और HDFC और ICICI, ये सभी कमज़ोर हैं, इसलिए बैंक निफ्टी आपको थोड़ा नीचे दिखेगा। IT जो इसका वर्सेस चल रहा है, IT के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो आपको इक्का दुक्का शेयर ही कमज़ोर दिखेगा, जैसे TCS फ्लैट टू नेगेटिव, और इसके अलावा Oracle है जो फ्लैट टू नेगेटिव है। ज़्यादातर शेयर आधे आधे 1/4% की बढ़त के साथ आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब जो एडवांसेस का आंकड़ा है वो भी हज़ार नीचे आ चुका है, 13 पॉइंट का नुकसान। आज साइडवेज थोड़ा मार्केट ज़्यादा लगता है बजाय आज कुछ एग्रेशन के। ये हीट मैप अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बढ़ने वाले शेयर के पास भी 1% नहीं है और सबसे कमज़ोर वाले शेयर के पास भी 1% नहीं है। कुल मिला के मार्केट के अंदर आज चर्निंग हो रही है और इस चर्निंग में आपको स्क्रीन भी 50-50 दिख रही होगी कि आधे शेयर हरे निशान में और आधे शेयर लाल निशान में आपको दिख रहे हैं। अडानी और बजाज ग्रुप के शेयर थोड़े ज़्यादा एक्टिव हैं आज, इनमें आपको ट्रेडिंग मूव्स मिल सकते हैं। अब मानसी आपको छोटे मझोले शेयर्स बताएंगे और साथ ही मेहमानों से पता करेंगे क्या करना चाहिए। मानसी, बिल्कुल धीमी शुरुआत हुई है बाजार की और मिड कैप की तस्वीर भी कुछ ऐसी नजर आएगी। ऑफ कोर्स हमने खरीदारी के साथ ट्रेंड खुलता जरूर देखा, लेकिन सॉफ्ट स्टार्ट टू मिड कैप इंडेक्स एज वेल। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे, औरोबिंदो फार्मा के चार्ट्स देखें, टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप कैटेगरी में। आगे अगर देखेंगे हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस है, बैंक्स फाइनेंशियल्स के चुनिंदा काउंटर्स हैं, IT मिड कैप, IT स्पेस, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ड जैसे काउंटर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ ही इंडियन होटल्स पर भी नजर रखें। ये स्टॉक भी आज वापस से खरीदारी की तरफ बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन गिरावट कहां से हाथ लगी है। मिड कैप में हम देख रहे हैं IRFC, RVNL जैसे चार्ट्स हैं। ऑफकोर्स RVNL के कल नतीजे हैं, कमजोर नतीजे थे, उसका एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। वहीं REC लिमिटेड, PFC REC जो कल चल रहे थे आज नहीं चल पा रहे हैं। EU बैंक, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट है, लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर अच्छे नतीजों का एक्शन दिख रहा है, मॉन्टे कार्लो, NBCC, हाइकल, NHPC, रिको ऑटो, ये सारे के सारे स्टॉक्स न्यूज फ्लो या फिर पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के चलते इस वक्त रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। रजय, कह सकते हैं कि एक धीमी शुरुआत बाजार की कल के एक्शन के बाद।